सो हे टैगीज, कैसे हो आप सब लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं एक ऐसे बजट स्मार्टफोन का रिव्यू जिसका नाम है रेडमी A2 सीरीज है, निकली है रेडमी की नई, अभी आपको पता होगा, और रेडमी A2 प्लस। तो आज हम रेडमी A2 प्लस का रिव्यू करेंगे और साथ साथ जानेंगे रेडमी A2 की स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी। देखिए इसके रेडमी A2 की हम स्टार्टिंग में बात कर लेते हैं। प्राइसिंग जो है इसकी इस वक्त अमेजोन पे चल रही है 7999 रुपए, ठीक है, इसके 4GB प्लस 64GB वाले वेरिएंट की। जिसका 2 प्लस 32GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग चल रही है 6299 रुपीज। तो बात करते हैं इसके बाकी स्पेसिफिकेशंस की। देखो एंड्रॉइड 13 पर चलता है, गो एडिशन है, 8MP का डुअल कैमरा देखने को मिलेगा, 5000mAh की बैटरी है, क्लीन एंड्रॉइड 13 है और 2 साल की वारंटी के साथ स्मार्टफोन आता है। 7GB की वर्चुअल रैम तक आपको इसमें मिल सकती है, 6.52 इंच की HD+ डिस्प्ले है और साथ साथ ऑक्टा कोर मीटेक हीलियो G36 प्रोसेसर दिया गया है। स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है और काफ़ी रेडमी ने अपना आपको भरोसा भी इसके अंदर दिया हुआ है। अब बात कर रहे हैं हमारे आज की मेन वीडियो कंटेंट की, यानी कि रेडमी A2 प्लस के रिव्यू की। देखो लेदर फिनिश लुक वाला रेडमी का सबसे सस्ता स्मार्टफोन है और ये जो स्मार्टफोन है ये 8499 रुपये में लॉन्च हुआ है। इसका सिंपल डिजाइन के साथ पेश किया गया और फोन के बजट सेगमेंट में ही उतारा गया है क्योंकि ये मेड इन इंडिया स्मार्टफोन है। तो आप मम्मी पापा को गिफ्ट करने के लिए आप इसे देख सकते हैं। कुछ दिन तक इसका इस्तेमाल करने के बाद फोन का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। और Redmi A2 के डिजाइन और डिस्प्ले के साथ हम जो है स्टार्ट करते हैं, चलो शुरू करते हैं। एक वक्त ब्लू कलर में आया ये फोन सिंपल डिजाइन के साथ आता है। फोन का बैक पैनल लेदर फिनिश के साथ आता है और फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप ऊपर की तरफ दिया गया है, उसी के साथ फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। लेदर फिनिश होने के चलते ये स्लिपरी भी नहीं है, फिंगरप्रिंट भी नहीं छपते, एक हाथ से इस्तेमाल करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। माइक्रो USB पोर्ट दिया गया है, वहीं लेफ्ट साइड में सिम ट्रे है, राइट साइड में पावर वॉल्यूम बटन दिए गए हैं। और बाकी डिस्प्ले की बात करूं तो देखो 6.52 इंच का HD+ डॉट ड्रॉप डिस्प्ले है, काफी अच्छा पिक्सल रेजोल्यूशन है और इसका एक्सपेक्ट 20:9 का है। फोन में ठीक वीडियो एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, ट्रैफिक ठीक ठाक है, मतलब कह सकते हो तुम इस बजट के हिसाब से। कलर्स भी ठीक ठाक से आते हैं लेकिन जिसकी जो डिटेलिंग है उसमें हमारी टीम को थोड़ी कमी लगी। और जो बजट स्मार्टफोन से हम जो है इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते, मतलब इतनी उम्मीद करना सही भी नहीं कि सब कुछ इसमें इतना अच्छा हो, लेकिन फिर भी इसे और ज्यादा अच्छा किया जा सकता था इस बजट पॉइंट के ऊपर से। बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, Redmi A2 Plus की परफॉर्मेंस की, तो फोन में मीटेक हीलियो G36 ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ 4GB रैम और 64GB स्टोरेज दी गई है। और इसकी स्टोरेज की आप जो है 1TB तक माइक्रो कार्ड के जरिए बढ़ा सकते हैं एसडी कार्ड के थ्रू। ये फोन एंड्रॉइड 13 को एडिशन पर काम करता है। फोन में मल्टीटास्किंग का काम जो है मॉडरेट ही करना ठीक रहेगा क्योंकि बैकग्राउंड में 4 से 5 चल रही होंगी तो फोन सही चलेगा, इससे ज्यादा ऐप चलाओगे तो फोन आपका हैंग मारेगा। थोड़ी बहुत सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग से लेकर थोड़ी बहुत ब्राउजिंग करने तक आप जो है इसके अंदर एवरेज ही मल्टीटास्किंग कर सकते हो। फोन जो है गो एडिशन पर काम करता है तो अगर आप लाइट एप्स का यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब गेम की बात करूं तो देखो इस फोन पर हल्की फुल्की गेमिंग जो है आप कर सकते हो, खासी भी नहीं हल्की फुल्की। इसके कैमरा की तरफ जाएंगे, देखो इसका जो कैमरा है Redmi A2 Plus का ये 8MP का है दिया दोस्तों, 8MP AI डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है जो जिसके साथ साथ मतलब कि फ्रंट में 5MP का फ्रंट कैमरा है और इसका पोर्ट्रेट वीडियो शॉर्ट वीडियो टाइम लैप्स जैसे फीचर्स इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। फोन की बेसिक फोटोग्राफी आसानी से की जा सकती है, फोन से आप दिन भर में अच्छी खासी लाइटनिंग में फोटोज ले सकते हैं। कलर्स और डिटेलिंग की जो है काफी अच्छी, ज्यादा उम्मीद करना सही नहीं रहेगा। अगर फोटो को बिना जूम किए देखा जाए तो रिजल्ट काफी अच्छे आते हैं और सेल्फी की क्वालिटी हमें काफी अच्छी लगी। ये फोन नाइट फोटोग्राफी के लिए तो बिल्कुल नहीं है, तो मतलब रात को फोटो मत खींचना, मतलब कुछ नहीं आएगा, अंधेरा ही आएगा। Redmi A2 Plus की बैटरी की बात करें तो 5000mAh की बैटरी दी गई है जो कि 10W की फास्ट चार्जिंग साथ आती है। फोन को फुल चार्ज होने में तो लगभग 2 से 3 घंटे का टाइम लग जाता है। एक बार फुल हो जाने के बाद फोन आपको एवरेज यूजेज 1 दिन तक चला सकते हो आप बड़े आराम से। और बैटरी के मामले में तो ये फोन हमें जरा ठीक ठाक लगा। फोन एक ही वेरिएंट में अवेलेबल कराया गया है, ये 4GB प्लस 64GB वाला स्टोरेज वेरिएंट है जिसकी प्राइसिंग 8499 रुपये है। अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जिसके साथ आपको बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग नहीं करनी है या फिर अपने मम्मी पापा को आपको गिफ्ट करना है तो आप इस फोन को अपनी लिस्ट में जो है रख सकते हो। तो ये तक छोटा सा क्विक रिव्यू हमारे Redmi A2 Plus स्मार्टफोन का और Redmi A2 की स्पेसिफिकेशंस के ऊपर एक छोटी सी नजर। तो नए हो चैनल पे तो यार सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं आपसे मैंने आने वाली वीडियो में। बाकी वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके बताना, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।